गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, आज हमारे फ्रूट सीजन का पहला दिन है, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो यार, आप लोग को वीडियो के थ्रू मैंने बताया है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरे एक साल की मेहनत होती है इसके पीछे, तो इसे हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अभी फ्रूट सीज़न में हम लोग काफ़ी बिज़ी हो जाते हैं, तो कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड करने की बीच बीच में, बट टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता इस वक्त। तो आज हम तोड़ेंगे आड़ू अपने, और इसे थोड़े कच्चे ही तोड़ने पड़ते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि इसे हमें अभी बॉम्बे भेजना होता है यहाँ से, तो दो तीन दिन का टाइम लग जाता है वहाँ जाते जाते, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसे हल्का सा कच्चा तोड़ना पड़ता है। तो यार, अभी करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, करते हैं अभी स्टार्ट। और फ्रूट्स तोड़ने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये जो होता है इसे बोला जाता है यहाँ पर झोला, तो इसको इस तरह से गले पे इस तरह से लगाया जाता है ताकि फ्रूट्स हम तोड़ के डायरेक्ट इसमें डाल सकें। सो गाइस, इस बारी जो ये फल है आड़ू का, ये उतने बड़े साइज के नहीं हो पाए जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को दिखाया था, आप देख सकते हैं थोड़े जो इनके साइज़ हैं वो छोटे हो रखे हैं इस बार। वो इसलिए है शायद कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी बहुत टाइम से बीच में, जब ये छोटे छोटे थे, तो अभी बस कुछ ही दिनों पहले ही यहाँ पर बारिश हुई है, इस वजह से इनका साइज़ नहीं बढ़ पाया। जो हमारा लोकल फ्रूट मार्केट है वहाँ पर माल पहुँचने में तो कुछ ही घंटों का टाइम लगता है, जैसे कि अगर आज शाम को हमने यहाँ से भेजा है माल, तो सुबह वहाँ पर बिकना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमको ये माल बॉम्बे या दिल्ली अगर भेजना है, तो हमें जल्दी तोड़ना पड़ता है इसे, ताकि वहाँ जाने तक ये सेफ रह सके। इस सीज़न के पहले दो बैकेट हमने भर लिए गाइस, आगे आगे देखते हैं अब होता है क्या। इस दाने को देखिए ध्यान से, आड़ू के, इसे मैं अभी तोड़ रहा हूँ। सो इसमें ये जो आपको वाइट कलर का जो परत दिख रही होगी, इसे यहाँ पर झूस बोला जाता है, नॉट जूस गाइस, झूस। तो ये बहुत पेन देता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। तो गाइस, कमेंट करके बताइएगा इसे क्या बोलते हैं आपके वहाँ पर, जो ये वाइट कलर की परत है इसकी। दो बास्केट ये रहे नीचे वाले खेत में, और दो बास्केट ये रहे जो मैंने अभी भरे हैं। दो बकेट मैं ऑलरेडी पहुंचा चुका हूं, तो टोटल हो चुके हैं 6 बकेट। तो ये तो अभी छोटी शुरुआती है, अभी मैं आप लोग से जस्ट ये कह रहा था कि जो आड़ू होता है उसका जूस जो है वो कैसे परेशान करता है हमें। तो जब भी हम लोग आड़ू को छूते हैं, तो हमारे हाथ के थ्रू और फिर जो भी हवा चलती है उसके थ्रू जो है इसके झूस उड़ते रहते हैं इधर उधर, तो इसकी वजह से हमारे जो फेस पे और फिर ये आप गर्दन पे देख रहे होंगे, तो इतनी अभी खुजली हो रही है मुझे, तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है इसे तोड़ने में। और ये जो पूरा आपको ये दिख रहा है सब आड़ू के पेड़ हैं, और जो उसके ऊपर आप देख रहे हैं वो पूरे सेब के पेड़ हैं, ये देख सकते हैं आड़ू के पेड़। एक बार फिर से स्वागत है गाइस, हाफ डे हो चुका है, हाफ डे के बाद फिर से मैं खेत में आया हूँ अपने, और अभी जो है मैं आड़ू के पेड़ पर चढ़ा हुआ हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या व्यू है, और ये पूरे जो हैं आड़ू के दाने वगैरह आपको देख रहे होंगे पीछे, पूरा आड़ू के पेड़ वगैरह हैं, सारे आड़ू के पेड़ हैं वहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं।
और करीब करीब आड़ू खाए हुए हमें 1 साल हो चुका है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक टेस्ट कर लेते हैं आड़ू कि अभी कैसा टेस्ट हो रखा है इनका। गाइज अभी थोड़ा खट्टापन है क्योंकि पहली तुड़ाई है। अभी इसके बाद जब दूसरी और तीसरी तुड़ाई करेंगे तो तब तक अच्छी तरह से पक जाएंगे। अभी जो है आगे की तरफ निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी जगह है खेत की, उसमें आगे की ओर भी पेड़ हैं हमारे आड़ू के। जैसे कि आप देख सकते होंगे इसमें सेब के पेड़ काफ़ी हैं यहाँ पर इस वाली बेल्ट पे, और बीच बीच में एक दो पेड़ आड़ू के भी हैं। तो अभी जो है इसमें मूला हमने लगाया हुआ है, और ये देख सकते हैं साइड में ककड़ी हमने लगाई हुई है। देखिए यहाँ भी लगाई है कुछ। सो गाइज अभी जो है इनकी छटाई चल रही है, ये जैसे कि ये आप देख सकते हैं, तो बहुत केयरफुली तोड़ना होता है इन्हें इस तरह से। तो ये ऊपर से नीचे तक सारा कुछ देखना पड़ता है इसमें, जैसे कि ये है, ये लगभग हो चुका है तो इसे हम तोड़ लेंगे। जैसे ये है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें ये अभी कच्चे हैं तो इन्हें नहीं तोड़ेंगे हम। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पक चुका है ये है। तो यार बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, देख सकते हैं मौसम। गाइज इन्हीं पेड़ों के साथ में लगते हुए ये देखिए, ये जो पेड़ हैं इसमें अभी दाने बिल्कुल हरे ही हैं। तो ये जो है अभी 1 से 1.5 महीना लगेगा इसको तैयार होने में। ये एक अलग वैरायटी है, तो इस वैरायटी के काफ़ी पेड़ हैं हमारे पास। ये जो पीछे आप लास्ट तक देख रहे होंगे वहाँ तक, वो सारी इसी वैरायटी की पेड़ हैं। सो गाइज मौसम बड़ा गेम खेल रहा है हमारे साथ, आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल मौसम अभी साफ़ हो चुका है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो यार अभी बज चुके हैं शाम के 5, तो आज थकान भी बहुत हो गई है। तो टोटल मैंने आज 10 बकेट आड़ू तोड़े हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यार कल आड़ू तोड़ते तोड़ते शाम हो चुकी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वक्त टाइम नहीं मिल पाता हमें। और आप पीछे देख सकते हैं जो कल मैंने तोड़े हैं आड़ू, वो इकट्ठा किए हुए हैं, ग्रेट किए हुए हैं सारे। तो इन्हें अभी करेंगे पैकिंग,
और इससे पहले भी मैं वीडियोस डाल चुका हूँ आड़ू की, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और इसे पैकिंग करने के बाद फिर 4 बजे तक हमें रोड तक पहुँचाना होता है इसे, क्योंकि जो ट्रक्स वगैरह हैं वो उन लोगों का जो एक टाइम फिक्स है यहाँ पर अभी लॉकडाउन में, तो 4 बजे तक हमें रोड तक इसे पहुँचाना होता है, फिर वो लोग वहाँ से लोड करके इसे ले जाते हैं आगे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें 3 ग्रेड किए हुए हैं हम लोगों ने, और ये सारा माल मुंबई का है, ये देख सकते हैं। और इसके साथ में ही इधर आपको जो ये वाला दिख रहा है, ये सारा अपना लोकल मार्केट में जाएगा, हल्द्वानी जो है वेजिटेबल मार्केट हमारा। ये हल्द्वानी का माल है पूरा, और जो पिरूल की मैं बात कर रहा था वो इस तरह से इसके नीचे भरा जाता है ताकि दाने खराब ना हो। गाइज काम हो चुका है ख़त्म और अभी बज रहे शाम के 5। तो कभी कभी ट्रक वाले के पास अगर ज़्यादा माल रहता है तो कुछ टाइम वो बढ़ा देते हैं, जैसे आधा घंटा या 1 घंटा। तो आज कुछ ज़्यादा ही माल था इसलिए हमें 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया काम करने को। सो गाइज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।